हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि IBPS PO 2017 की तैयारी कैसे शुरू करें। ये मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ये एक आप कह लीजिए मेगा कोर्स है IBPS PO का। अगर आपने जस्ट तैयारी शुरू की है या पिछले SBI PO वगैरह एग्जाम्स में एक दो मार्क्स से रह रहे हैं या पिछले दो तीन साल से आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए है। तो ये एक पूरा प्रॉपर सीरीज बना रहे हैं, एक सीरीज होगी वीडियो की। डेली मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा IBPS PO के लिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो ये हूं मैं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह और मैं बैंक एग्जाम टुडे पे काम करता हूं पिछले 5 सालों से। तो सबसे पहले मैं आपको आपसे एक गुजारिश करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं हमारी वो आपको रेगुलर मिले, आप कुछ मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग सेंटर जाएं। आप खुद से पूछिए आप क्या करना चाहते हैं, एग्जाम कैसे क्लियर होता है, सेल्फ स्टडी से क्लियर होता है या कोचिंग से क्लियर होता है? मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी से क्लियर होता है। 10% आपको चाहिए गाइडेंस, 90% आपको चाहिए सेल्फ स्टडी, कोचिंग आपको चाहिए 0%। ये आपको नहीं चाहिए, आप दूसरों को अमीर बना रहे हैं। 100-100 बच्चे एक एक क्लास में इकट्ठे हो जाते हैं, 10-10 हजार रुपये फीस जमा जमा करवा देते हैं और अगले बंदे को करोड़पति बना देते हैं, लखपति बना देते हैं, पता नहीं क्या बना देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, कुछ फायदा नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं आपको कोचिंग सेंटर्स वाले। आपसे 10-10 हजार रुपये फीस ले लेते हैं, आपको घटिया सी बुक्स प्रोवाइड करवा देते हैं, 70-80 पेज, 100 पेज, 200 पेज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बिल्कुल ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, वैसे क्वेश्चंस कोचिंग सेंटर की बुक्स में होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कौन कौन सा कोचिंग सेंटर ये एंड वो, क्योंकि सभी ऐसे, एक दो नहीं सभी ऐसे, मोस्ट ऑफ, एक कुछ एक आध परसेंट होगा जो ढंग से पढ़ाते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम छोटे शहरों में, इवन द लुधियाना जैसे शहर में या रांची जैसे शहरों में इंस्टीट्यूट्स अच्छे नहीं हैं। आप बिल्कुल भी कोचिंग में मत जाइए। हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, एक मुहिम मैंने स्टार्ट करी है कि IBPS PO की तैयारी मैं YouTube पे करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा। थोड़ा बहुत शायद हम अपनी ई बुक्स वगैरह के लिए चार्ज कर लें, लेकिन बहुत आपको कह लीजिए कि मोस्ट ऑफ इट वुड बी फ्री। सेल्फ स्टडी है, गाइडेंस है, कोचिंग में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, इसको काट दीजिए, मैं तो ये वर्ड भी नहीं सुनना चाहता। कोचिंग में होता क्या है, आप जाते हैं राइट, पहले दिन आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, और लेकिन बाद में क्या होता है, आप क्लास लेने गए आधे घंटे में आपको टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन करवाए, अगले दिन नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन करवाए, ऐसे करते करते 1.5 महीना 2 महीना निकल गया और आपके 10,000-12,000 रुपये खत्म हो गए जी, आप जाइए। तो ऐसा होता है, कुछ एक रेड ग्रीन कार्ड भी देते हैं कुछ एक इंस्टीट्यूट वाले, सीधा बोलता हूँ महिंद्रा वाले, डर थोड़ी है, और 2-4 और इंस्टीट्यूट हैं, मतलब नाम नहीं लूंगा अभी, बाकियों का नाम क्या लेना, सभी आपको पता होगा, रेड कार्ड है जी, ग्रीन कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, ये क्या है? आप सोच के बैठे हो कि आप स्टूडेंट को 3 महीने में पास नहीं करवा पाओगे, वो 2-2 साल आते रहेंगे, लाइफ टाइम आओ जी, ये क्या हुआ, ये कुछ, ये ऑफर क्या है? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि लाइफ टाइम कार्ड है जी, ये स्टूडेंट सारी जिंदगी बैंक के पेपर की तैयारी करते रहेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल, आपने कुछ करवाना ही नहीं है इंस्टीट्यूट में, वो आगे करेगा क्या, समय बर्बाद होगा ना, ये तो बिजनेस है बिल्कुल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत गंदा बिजनेस भी, ठीक है हम लोग भी पैसे कमाते हैं एट द एंड ऑफ डे, हर यूट्यूबर हर जो बैंक की तैयारी करवाते हैं, नोट्स बनाते हैं, एट द एंड ऑफ डे सर्वाइव करना होता है हर बंदे ने, बट वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी सर्विस का एक डेमो देता है बंदा, ये देखिए ये मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये मेरी सर्विस का डेमो है, आप ये करना चाहते हैं तो कीजिए। तो ऐसे होता है, लेकिन ये कोचिंग में क्या होता है, एक दिन आपको पूरा समझाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। हर एक चैप्टर के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस करवा देते हैं, और एट द एंड ऑफ डे मैंने एक स्टूडेंट से बेसिक से एक मेरे पास तैयारी करके, कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ, ये भैया टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन है वो जो होता है, ए ने 5 दिन में काम किया, बी ने 10 दिन में किया, दोनों ने मिलकर कितनी देर में किया, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आपने क्या तैयारी करी है, कुछ तैयारी नहीं करी है। तो सेल्फ स्टडी बिल्कुल कीजिए, और आपको बता देता हूँ सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी है। आपको इंटरनेट बहुत एक
ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको बहुत सारे, आपको यहाँ पे ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपको बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, ये सब आप फॉलो कीजिए ना। इतना ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतने अलग अलग टीचर हैं। मेरी वीडियोस नहीं पसंद आ रही आपको, मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आ रहा, 10 टीचर और बैठे हैं फ्री में, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो कीजिए, खिचड़ी मत पकाइए, समझ रहे हैं, दूध के साथ मछली मत खाइए, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। एक टाइम पे एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। अगर आप क्वांट एक टीचर से पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, रीजनिंग एक का फॉलो कर रहे हैं उसका कीजिए, लेकिन अलग अलग टेक्निक्स मत सीखिए, तो सब खिचड़ी बन जाएगी, वो मत कीजिए। तो अभी बात करते हैं कि व्हाट टू रीड, आपको पढ़ना क्या चाहिए। सबसे पहले चलिए डे वन की बात करते हैं कि आज अगर मान लीजिए डे वन है हमारा, जो ये मैंने एक कोर्स चलाया है यूट्यूब पे, डे वन है, आज आपको क्या करना है। आज आप प्रीवियस पेपर डाउनलोड कीजिए, प्रीवियस पेपर्स हैं जो, ये आपने डाउनलोड करने हैं, इसको आपने एनालाइज करना है। बैंक एग्जाम्स के, आईबीपीएस पीओ के सारे प्रीवियस पेपर लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दे दूंगा। आज आपको बैठ के प्रीवियस पेपर ही डाउनलोड करने हैं और उसको एनालाइज करना है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि यार ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, ये पजल्स मुझे आती हैं या इसमें मैं वीक हूं, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता। आप पेपर देखेंगे आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये मैंने देखा देखा सा है, ये कुछ अननोन नहीं, आप एलियन फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन मुझे थोड़े थोड़े आते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मुझे थोड़े थोड़े आते हैं, आपको कुछ भी ऑड नहीं लगेगा। आप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चलेगा कि हाँ ये मुझे आता है, ये मेरा क्लियर है। तो सबसे पहला डे वन प्रीवियस पेपर को एनालाइज करना है आपने सबसे पहले, बाकी सारे काम बाद में, प्रीवियस पेपर को एनालाइज करेंगे। और आपने पढ़ना क्या क्या है, आप मेरे पास आए हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने अगर बिगिन किया है, शुरू किया, और अगर अगर आप पिछले 1-2 साल से पास नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट या अपने स्टडी मटेरियल ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आने वाले 30, 35, 40 दिनों में मैं आपको डे बाय डे आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ, आप अपनी, हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी बुक ले आएगा तो मैं कैसे गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊंगा, तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ताकि कल को अगर हम प्रॉब्लम्स लें, हमने मैंने आपको 30 क्वेश्चंस दिए, उसमें से प्रॉब्लम्स लें, तो अगर आप नई सी कोई बुक लेकर आएंगे तो मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे, अपनी बुक वाले मैंने सारे किए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पहले वही पढ़ें, अगर आपने कुछ और पढ़ना है तो फिर वो मेरे साथ डिस्कस मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जीके डाइजेस्ट जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको जरूर इंस्टॉल कर लें, पहले देख लें एप्लीकेशन को। हम इस पे बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, सब कुछ, हर तरह के नोट्स, क्विजेज, आर्टिकल्स, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये जीके डाइजेस्ट ऐप को इंस्टॉल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये आप करें। दूसरी बात, bankexamstoday.com, बैंक, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, bankexamstoday.com वेबसाइट पे जाएं, आपको बहुत सारे आर्टिकल, क्विजेज, नोट्स मिलेंगे। नोट्स हमने बहुत 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 अच्छे तरीके के नोट्स रखे हुए हैं। और तीसरी चीज जो आपने करनी है वो न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर चाहिए। द हिंदू मिलता है तो सबसे अच्छी बात है, द हिंदू अगर नहीं मिल रहा आपको तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें, अगर वो भी नहीं मिलता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, कुछ जो अच्छा न्यूज़पेपर आपको मिलता है वो जरूर पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट है। और टेक सेवी होना बहुत जरूरी है, आप ने इंटरनेट पे एक्टिव रहें, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी टेक सेवी हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप टेक सेवी ऑलरेडी हैं, तो ये सब होना बहुत जरूरी है, पहले इससे स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि ये बहुत इजी है, मैं जानबूझ के आपको इजी से स्टार्ट करवा रहा हूँ, कल को आने वाले 15-20 दिनों में, 30 दिनों में, धीरे धीरे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, फिर चैप्टर वाइज पीडीएफ्स मिलेंगी, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम जंप करें सीधा मॉक टेस्ट पे, या इंस्टेड हम सीधा जंप करें सर्वेश कुमार नितिश सिन्हा की बुक पे, वो बहुत डिफिकल्ट बुक्स हैं, आप अभी से शुरू करेंगे आपसे नहीं होगा, तो कुछ फायदा नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे,
अभी एग्जाम की कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। मैं आपका जो बेस है वो मैं स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पहले डे वन मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस पेपर आपको एनालाइज कर रहे हैं, सबसे पहले आप यही करें आज के लिए। तो पहले वीक में आपको क्या क्या करना है, पहले वीक में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस पेपर देखें, कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आपको पता चले कि आपका आज की डेट में लेवल क्या है। आपको फुल लेंथ पेपर सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लें कि यार ठीक है एक पेपर में मैं 15-20 क्वेश्चन बिना तैयारी के कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन मैं बिना तैयारी के कर सकता हूँ। थोड़ा सा एनालाइज कर लें, आपको देखें कि आपको क्या समझ में बिल्कुल नहीं आया, ये मुझे मेरी तो समझ से परे है, ये सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये तो आप लिख के रख लें कि मुझे ये तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ये मुझे अच्छे से आते हैं। यू कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस कर लें, एक पूरा एक स्वॉट एनालिसिस होता है। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट आता है मैं उसको बोलता हूं भाई अपना ये स्वॉट एनालिसिस कर लो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अपना यहां पे पूरा बना लें। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ आप पूरा अपना यहां पे स्वॉट एनालिसिस बनाएं, स्ट्रेंथ थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये अपना पूरा आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस करें, आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रांग पॉइंट्स कौन से हैं, चाहे आप वीकनेस ऊपर रख लें स्ट्रेंथ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ आपको काम करना है। आप अपना देखें कि यहाँ पे मतलब कौन से चैप्टर्स ईजी हैं और आप उसमें आप स्ट्रांग हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीकनेस विद अपॉर्चुनिटीज। इजी चैप्टर्स जो आपको नहीं आते हैं ये आपकी वीकनेस है और इसको आपको टारगेट करना है, ये आपका टारगेट है। इजी चैप्टर्स जैसे नंबर सीरीज या सिंप्लीफिकेशन, जो इजी चैप्टर्स हैं क्लोज टेस्ट इंग्लिश में जो इजी है वो आपको नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले वहां पे टारगेट करना है। तो ये एक पहले अपना स्वॉट एनालिसिस कर लें। हर स्टूडेंट का अपना एक अलग तरीके का एबिलिटीज होती हैं, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से चलता है। सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस कर लें ताकि तैयारी करते हुए आप उन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे ज़्यादा जोर लगाएं। तो मेरी पिछली कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं अलग अलग चैप्टर्स में, पिछली मैंने एक दो वीडियोज़ डाली हैं कि द हैबिट्स ऑफ यू नो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हु क्रैक्ड IBPS SBI एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप जरूर देखें। उसके बाद bankexamstoday.com पे मैंने बहुत बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं पिछले 3 सालों में, बहुत इंफॉर्मेशन है, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, पहले आप वो देखें, देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो IBPS PU को कैसे मैंने एक प्लान बनाया है, कैसे मैं सारा ये काम कर रहा हूँ, एक वीकली शेड्यूल बना हुआ है, वीकली मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, राइट, ये मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज आपको मैंने डे वन का मैंने आपको काम दे दिया है, अपने प्रीवियस पेपर जो है उस पर काम करना है। उसके बाद एक वीकली शेड्यूल बनाएंगे, आपको डेली टेस्ट जो आप पढ़ेंगे उसका टेस्ट लेंगे, करंट अफेयर का क्विज भी होगा, करंट अफेयर का क्विज तो मैं डेली लूंगा, करंट अफेयर का क्विज डेली होगा। आप रोज शाम को एक अपडेट ली जाएगी, रोज शाम को मैं आपसे पूछूंगा, अगर ऐसे प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया तो मोबाइल पे बनाऊंगा, डेली आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या अवेलेबल था मेरे पास, जो आपने नहीं पढ़ा क्या आप मिस कर गए, सब कुछ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और जो भी आपको चाहिए, आपको टेस्ट मॉक टेस्ट चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नोट्स अगर आपको चाहिए व्हाट टू रीड, यहाँ पे एक मिस कर गए, यहाँ पे स्मार्ट प्रेप किट आपको लेनी बहुत जरूरी है, स्मार्ट प्रेप किट आपको चाहिए, स्मार्ट प्रेप किट, ये पूरी जो ईबुक्स हैं जो मेरी बेसिक से लेके लास्ट तक, मतलब बिल्कुल हमारे जो टीचर्स हैं हमने मिलके जो नोट्स बनाए हैं ये आपको मिल जाएगी। ये आप स्मार्ट प्रेप किट जो है ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां से आप जरूर इसको परचेज करें, राइट। तो ये ईबुक का मेरा बंडल है, ये पहले सबसे पहले आप स्मार्ट प्रेप किट लें, राइट। उसके बाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तो वीडियो को लाइक करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप raman@bankexamstoday.com, ये मेरा ईमेल आईडी है, नॉर्मली मैं 8-9 बजे के तकरीबन ही ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ, सारे दिन में टाइम नहीं मिलता, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर आप कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझ में आ रही है, मुझे मेल करें, या आप प्लीज नीचे कमेंट जरूर कमेंट कर सकते हैं आप। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं नॉर्मली कमेंट का रिप्लाई मैं ज्यादा जल्दी करता हूँ। ईमेल लिखना क्योंकि लंबा ईमेल होता है, टाइम लग जाता है, कमेंट का रिप्लाई मैं सबसे जल्दी करता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।